कोविड को लेकर भी है, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ आवाम से बात हो रही है, मैं उनको ये मैसेज दे रहा हूँ कि प्लीज मास्क पहने, अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, डिस्टेंस रखें, एसओपीस फॉलो करें। और फर्स्ट पे से मेरी मैसेज है आवाम को कि फर्स्ट पे से खासतौर से हमारी दोस्ती की आवाम को ये मैसेज देना कि 1 तारीख से 1 मई से 18+ के ऊपर जितने भी एलिजिबल लोग हैं इंजेक्शन के लिए, वो इंजेक्शन के लिए जाएं, इंजेक्शन करवाएं। इंजेक्शन बिल्कुल सेफ है और इंजेक्शन एक शील्ड की तरह काम करता है, क्योंकि एक वबा है, अगर इस वबा से बचना है तो हमें जो हमारे पास जो चीज़ें मैसर हैं हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात जो है, जो एक और चीज़ जो आज के दौरे का था कि बहुत जगह से मुझे ये डिमांड आ रही है, पूरे शोपियान डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि आपको पता है कंडी इलाका है, आपको पता है पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो उनको मुगल रोड जो है वो एक तरीके के लाइफ लाइन है। यहाँ के लोग जो हैं रजौरी पुंछ से वाबस्ता है, रजौरी पुंछ के लोग यहाँ से वाबस्ता है, रिश्तेदारी है आपस में। तो ये जो मुगल रोड बंद है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो लोगों की है बहुत ही नाराज़गी है। तो मेरी अपील है एलजी साहब से, मेरी अपील है होम मिनिस्टर साहब से, मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इस रोड को जल्द से जल्द ओपन किया जाए, ताकि लोगों की जो मुश्किलें हैं, जो दौरा जो है मेरा, ये बेसिकली आपने देखा होगा कि मैं पिछले चंद महीनों से कंटिन्यू दौरे कर रहा हूँ बहुत सारे गाँव के। तो आज का दौरा जो है मेरा ये खास तौर से 2-3 जगह का था। मैं आज बटमरुन गया था, जो वानपुरा रोड है, बटमरुन वानपुरा रोड बाय वाटू, मैं वहाँ गया था। उस रोड की बहुत खस्ता हालत है, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है लोगों की वहाँ पे कि वो रोड ठीक किया जाए। वहाँ के लोगों से बात की, वहाँ के आवाम को बहुत सारी परेशानियाँ हैं, वहाँ जो बिजली है वो जो लाइनें जाती हैं वो पेड़ के ऊपर हैं, टहनियों के ऊपर हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें देख के आया।